भाई जी, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। जिस समय बाढ़ आई, दूसरी कॉलोनी में पानी भरा और इस कॉलोनी में एकमात्र पानी नहीं आया। ये इन बच्चों के लिए एक ही आशीर्वाद है कि तुम जिंदगी में कभी खाली नहीं जाओगे। जिंदगी में कभी एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि जिंदगी में कभी खाली नहीं जाओगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस ग्रामीण में महीने भर में अगर मेरे को भी आना पड़े, मैं भी आऊंगा। और ग्रामीण वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस मंदिर को सुंदर बनाने में जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई महावीर भाई जी ने इतना योगदान किया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मंदिर को सुंदर बनाने के लिए जो है इस मंदिर पे अपना योगदान करते रहे। मंदिर में अशोक पेड़, जितने भी अशोक पेड़ की व्यवस्था होगी यह भी किसी के द्वारा हो रही है और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। और अशोक पेड़ की व्यवस्था होगी इस मंदिर को इतना भव्य और सुंदर बनाने की, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मनोकामना है, एक दिन शायद किसी मंदिर की प्रसिद्धि से यह जो पथरी है जहाँ लोग आने के लिए इतना कतराते हैं, वो मंदिर के कारण उस क्षेत्रीय भंडारों घंटाकर्ण महाराज और अपने अपने इष्ट देवताओं की कृपा से एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस मंदिर में नाना प्रकार के लोग आएंगे और इस मंदिर की जय उद्घोष हमेशा होती रहेगी। मैं महावीर भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ, बोले घंटाकर्ण महाराज की, और मैं महावीर भाई से भी यह आग्रह करूंगा, आप भी दो शब्द जो है अपने मुखारविंद से कहें और सबको अपना आशीर्वाद। यहाँ की माता और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से और हमारे कई साथी यहाँ पर आए हैं उनकी ओर से, और भाई अजय हम सबको यहाँ पर आने का अवसर मिला, हमारे बहुत सारे साथी आए। मैं आप सबको इस महान और इस मंदिर की जो शोभा है, आज तो कुछ लगता है कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ किया गया, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ जितना मेरे से होगा मैं व्यक्तिगत तौर पे भी करूँगा। मैंने पूर्व में भी आपका सहयोग किया और हमारी जितनी भी बहनें हैं, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है। आज बहुत सारे साथी आके चले जाते हैं, ये 12 साल का कुंभ नहीं है, ये कुंभ की तरह आएंगे और चले जाएंगे, मंदिर आजीवन रहेगा, भावनाएं भी आजीवन रहेगी। यदि भावनाएं एक दिन में बदल जाती तो हमारी माँ बहन जानती है कि जिन्होंने वर्षों वर्ष तक किसी चीज को धरोहर के रूप में बनाया, वही एक वृक्ष के रूप में आप सबको दिखाई देता है। आज मंदिर है, आज जो बच्चे आपके एक साल का बच्चा था वो 21 साल 20 साल 25 साल का होने जा रहा है, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मंदिर की भव्य के लिए जितने भी जो सहयोग करे उसका भी स्वागत, जो ना भी करे उसका स्वागत। लेकिन मैंने कहा यदि बहुत सारे, मैं आपको कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ, आप सब से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक रहे, मिलकर रहे। हम लोग टिहरी के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, हमें जैसे हमारे ऊपर देवी देवताओं का हम पे आशीर्वाद रहा, वही पथरी में रहना चाहिए। और आप ही हम लोगों को जब अच्छा आशीर्वाद देंगे तो निश्चित विजय होगी, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मंदिर की प्रांगण की हो, चाहे बाउंड्री की हो। मैं आज जो मुझे मंगललाल भाई ने कुछ कागज दिए हैं, मैं निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी से भी कहूंगा जितना हमसे होगा मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आपने
पहली बार अपनी बेटी को यहाँ से जिताकर आए, पहली बार। आपने 10-10 साल जो लोग आज कई वाणी कह रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, 10-10 साल तक यहाँ एक ईंट नहीं लगाया, एक पत्थर नहीं लगाया, और आज वही चेहरे यहाँ पर है ना। ये ना हो कि गलत बीज अगर आप फिर बोएंगे तो आपको 10 साल भुगतना पड़ेगा। आपने अगर अभी तो मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए विधायक को, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ मैं उनको आपके बीच भी लाऊंगा, और जो आपने काम दिया मैं कहूंगा बहन ये तो भाई विधायक आप सबका है, विधायक मेरी आप सबकी है। मैं और हमारे साथी जाएंगे और मैं उससे कहूंगा कि बहुत छोटा काम है, और ये अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज समस्या बहुत बड़ी ये है कि जब हम पीरी के भूमिधर, आज जो जमीन हमारे नाम नहीं है उसकी लड़ाई लड़ना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी लड़ाई आज जमीन की है। आज आपको मालूम है कि जो ये बिजली थी ये भट्टीपुर से आती थी, आपके बेटे और आपके भाई ने जब हम सब ने मिलकर संघर्ष किया आज बिजली घर पथरी के नाम से। आपने देखा जिसका मुझे पहली बार एक काम करने का मौका मिला, शायद कई बहने कोई खाद के लाती होगी, मुझे 4 साल होने जा रहा है, और आज भी आपके आशीर्वाद से जो बादरावास से थी वो मैं पथरी में लेके आया। आपने अपने बेटे को जब ताकत दी तो ताकत ही आपकी काम करती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो काम है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है माँ, जो बच्चों को जन्म दे रही है वो है खेती। इस लड़ाई को भी हम सबको लड़ना है, और हमें भूमिधर अधिकार जब मिलेंगे तो निश्चित आपको जानते हैं आज जमीन है उसका मालिकाना हक है। बहनों बड़ा कष्ट होता है हमारे बच्चे, मैं आपके आशीर्वाद से जब जिस सहकारिता का चेयरमैन हूँ, मेरे पास आदिपुर भंगनपुर की एक बहुत बड़ी पंचायत है जो 18,000 आबादी की पंचायत है, लेकिन उस पर सबको ऋण मिलता है, फसली ऋण जो हम खेती कर रहे हैं, लेकिन टीरी विस्थापित के लिए फसली ऋण नहीं है। अरे हमने क्या गुनाह कर दिया कि हमने टीरी डैम के लिए त्याग किया, पूरे ब्रांच के लिए त्याग किया, और आज जितना हमने बलिदान दिया कोई शायद कोई दे नहीं सकता है। माँ मेरे बेटे को जन्म दे सकती है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकती है जो आज टीरी के लोगों ने किया। बहनों आपने देखा कि आज टीरी के लोग दर दर की मोटरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आज भी आप देख रहे हैं कि आपने अब तक मेरे ख्याल से 40 साल होने जा रहे भूमिधर अधिकार नहीं मिला। हम सबको एक होना पड़ेगा, और ये 12 साल का पुण्य नहीं है, आपके बीच फिर बहुत सारे साथी आएंगे, हमारे बीच हम भी आएंगे, लेकिन परीक्षा आप न्याय को लेना और विकास को लेना, यहाँ के विकास के लिए सब लोग एक हो जाना, चाहे वो मंदिर का काम हो चाहे जमीन का हो। लेकिन मैंने कहा इसको खोना मत, आपको मालूम है कि जो बच्चा उभरता है उसको और आगे बढ़ाओ, जो बच्चा आपको लगता है इसका कल भविष्य होगा उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये दायित्व आप सबका है। मैं ज्यादा ना कहते हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मैं भी आपका बेटा और आपका सेवक हूँ जितना मेरे से होगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल विधायक जी के पास भी जाऊंगा, और जो मेरे लायक सेवा होगी मैं आपको करेंगे। मैं यहाँ पर ज्यादा ना कहते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके भी आज जो जोड़ी आई है और उनके जो नियमित काम कर रहे हैं बिजवान लोग, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ एक क्षेत्र को ताकत दी है, और देवी देवताओं का जहाँ जहाँ भी पैर पड़ता है वो जमीन तो वैसे भी पवित्र हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद हमारे बड़े भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब महावीर रावत जी, और आपका निरंतर मुझे याद है कि जब हमारा मंदिर का, मेरे को ऐसा लगता है कि जब उस दुर्गा माता का तो इन्हीं के, अरे आ जाओ इनको बुला लो, और भाई मंदिर में जितने भी काम हो जाए कभी कम होगा, कुछ कहीं से होगा। मैं इस विषय में एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ, समस्त माताएं बहनें सुने हैं,
गजा से 4 किलोमीटर पैदल घंटाघर धाम है। आपको याद होगा हम सिर्फ घंटाघर धाम है, मैं ट्रस्टी भी हूँ छोटा सा प्रभु की कृपा से, और उस हमारे समस्त सहयोग से, भक्तों के सहयोग से उसमें सरकारी धन 1 रुपया नहीं लगा हुआ है, सरकारी धन 1 रुपये नहीं लगा हुआ है, सब भक्तों के सहयोग से, क्योंकि सरकारी तंत्र में तो बहुत प्रक्रियाएं लंबी हो जाती है, आज वहाँ ये पास नहीं हुआ कल वो पास नहीं हुआ बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन भक्तों का जो संकल्प सहयोग है, जब हम उतने दूर में 125 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का मंदिर बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं अपना छोटा सा जो है, मुझे लग रहा है 1-1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में मंदिर बन सकता है आराम से, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा, और अजय बोला एक संकल्प लेके हमारा आज का अनुष्ठान में हम लोग घंटाघर धाम अपने इष्ट देव को अपना एक मंदिर बना करके और उसकी हम संकल्प लेंगे, उसके लिए सहयोग आपका शुरू में मैं वो करूंगा, बाकी सब लोग जो भी सहयोग कर सकेंगे वो सब लोगों का आभारी है, और हमारा क्या है मैं सभी लोगों का इष्ट देव हमारा कुलजी पालकोट का तो एक वही है, इसलिए मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में सब लोग सहयोग करें, और जो भी हो सकता है किसी को यह नहीं है कि किसी ने 10 रुपए देना है, जो भी किसी की श्रद्धा है श्रद्धा पूर्वक से, कोई किसी पे हम प्रतिबंध नहीं कर सकते कि भाई को इतना देना ही देना है, तो इसीलिए आज का ये अनुष्ठान में हम संकल्प लेंगे कि इसको भी हम यथाशीघ्र जो है कार्यक्रम जो शुरू करवाएंगे, बाकी रही मंदिर का जो कार्यक्रम अगर यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होने उसके लिए भी जो भी सहयोगात्मक हो पाएगा हमसे जो हो पाएगा हम लोग हर समय तत्पर है, भैया है कि सूचना थोड़ा सा मुझे मिल जाए उसके लिए हम लोग जो है बिल्कुल 100% तैयार है, लेकिन मंदिर के लिए हम सबसे पहले इसका वो करवाएंगे, इसलिए सभी लोगों का धन्यवाद, आपका भाई जी विशेष करके और आपका सहयोग भी मिलता रहता है, और भंडारे के लिए समस्त लोग बरात घर में प्रसाद उसका ग्रहण करके सब लोग जाएंगे, यही सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, धन्यवाद। आप मैंने यहाँ ये भी सुना कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं भी इसी उम्र में इस मंदिर की सेवा किया करता था, और आज जो है यहाँ पर दिल्ली से लेकर लोग और करनाल से लेकर लोग यहाँ पर रानी पोखरी से लेकर ऋषिकेश से लेकर सब लोग सिर्फ सहयोग के लिए, अभी उत्तराखंड चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उन्होंने कहा कि अशोक पेड़ जो अशोक पेड़ की एक महिमा होती है और अशोक पेड़ की जो छवि होती है वह मंदिर को दान किया जाएगा और मंदिर को अशोक पेड़ से सजाया जाएगा, और हमारे बड़े भाई विनोद भाई आप आशा तो मेरे को यही आशा थी कि घंटाघर में, सच बताऊं इस बार मन में यही था कि मैं भैजी से बात करूंगा और अपनी इष्ट घंटाघर देवता का जो मंदिर है उसे जो है भव्य और सुंदर बनाने की चेष्टा करूंगा, और हमारे सुरकंडा परिवार जो भी परिवार है उन परिवार की तरफ से सभी भक्तों मंडली की तरफ से जो है 51,000 उस मंदिर की तरफ से वह परिवार इस मंदिर को दान कर रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद आज इस मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं, लेकिन जिन बच्चे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं ना उनको मैं घंटाघर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो बच्चे आगे आने वाले भविष्य कोई साइंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने और कोई वकील बने, ताकि इस पृथ्वी जहां लोग आने के लिए कतराते थे वह पृथ्वी जहां हमारे इष्ट घंटाघर विराजमान है, वह पृथ्वी जो हम तीर क्षेत्र हमने अपना बलिदान दिया अपने घर कुर्बान किए किसके लिए, यहाँ बिजली आने के लिए, अपना डैम बनाने के लिए जो हमने बलिदान किया उस बलिदान को व्यर्थ न जाते हुए ये पृथ्वी स्वाभिमान होनी चाहिए, और वो महावीर भाई जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यह मुहिम उठाई, और मैं सभी यहाँ ग्रामीण से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे 10 रुपया हो ये नहीं ज्यादा, लेकिन 10 रुपए भी होगा तो वो भी 10 रुपए लाख रुपए के बराबर होगी, मुहिम आपको उठानी है, करने वाला वो विधाता है, वो कराएगा और हम करेंगे एक न एक दिन ये पथरी जैसे महावीर भाई संघर्ष कर रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं, एक न एक दिन यह पथरी इतना विस्तार हो जाएगा कि यहाँ लोग दूर दूर से आएंगे, यहाँ की सौंदर्यता है यह मैं देख रहा हूँ, काफी टाइम से पथरी में बदलाव भी हुए हैं,
अपने नगर वासियों में थोड़ा सा सुधार और जो पहली स्थिति रोडों की थी पानी भर भर के, और सबसे बड़ी घंटा करने की, भाई जी मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जिस समय बाढ़ आई दूसरी कॉलोनी में पानी भरा और इस कॉलोनी में एकमात्र पानी नहीं आया। इस घंटा करने की विशेष कृपा, वो दीवार टूटी पानी अंदर आया लेकिन यहाँ अंदर पानी कॉलोनी के अंदर पानी नहीं घुसने दिया, इस रोड से ऊपर पानी नहीं गया, ये इस घंटाकरण की कृपा है। और मैं मानता हूँ हमारे विनोद भाई, हमारे ताऊजी और जितने हमारे ग्रामीणवासी हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सहयोग करें और इस मंदिर को इतना सुंदर, महीने में मैं भी आऊंगा, अगर आप मुहिम उठाएंगे ना मैं भी आऊंगा अपने बरातगढ़, और इस मंदिर की शोभा मान, जब ये मंदिर सुंदर हो जाएगा ना यहाँ अपने आप लोग आने लगेंगे, क्योंकि हमारे टीवी से तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मंदिर यही इष्ट गंडियार यही है, और जब यह मंदिर इतना विस्तार हो जाएगा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग यहाँ देखने के लिए अभी दिल्ली से आ रखे हैं, दिल्ली से करनाल से लोग आ गए हैं, तो सोचो देश विदेश से तो बहुत बड़ी बात है, एक दिन ऐसा आएगा देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे। और जो बच्चे सेवा देते हैं ना, जो बच्चे सेवा देते हैं, ये इन बच्चों के लिए एक ही आशीर्वाद है कि तुम जिंदगी में कभी खाली नहीं जाओगे, जिंदगी में कभी, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि जिंदगी में कभी खाली नहीं जाओगे, और ब्राह्मण का आशीर्वाद सबसे वो लगता है, और तुम कभी खाली नहीं जाओगे, मंदिर की सेवा करेंगे, इस मंदिर को मैं मानता हूँ, मैं छोटी सी इस मंदिर को देखता आ रहा हूँ, और बहुत मन में वो भी होती थी कि घंटाकरण अपना अलग मंदिर बन जाता है, ये मंदिर सुधर जाता और सबकी मुहिम से जो है यह मंदिर सुधरा भी, और आज बड़े भाई विनोद भाई ने जो मुहिम उठाई, मैं दिल से इतना गदगद हो चुका हूँ कि मैं कहने की अवस्था में भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ यह मंदिर भव्य बने। बोले घंटाकरण महाराज की, बोले घंटाकरण महाराज की।